नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हरीश तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आज का हूं बहुत ही शानदार आज के सेशन को लेकर और आप सभी का स्वागत है आपके इस बहुत ही शानदार प्यारे से परिवार में जिसका नाम है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर साथियों यहां पर आपको मिलने वाली है इंडिया की सबसे बेस्ट टीम क्योंकि यहां पर देखिए साथियों आपको भारत के सभी एग्जामिनेशन में खासकर रेलवे के एग्जामिनेशन की

आपको मैं बताना चाहूंगा साथियों कि आज की जो सीरीज है ना ये एग्जैक्टली टू द पॉइंट पूछी गई है जो ए में क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आर ग्रुप डी एल पी टेक्नीशियंस और यहाँ पे रेलवे और यहाँ पे एक्सपेक्टेड पेपर के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा सेट है जो तैयार किया हुआ है आप यकीन मानेगा कि बहुत बेहतरीन के साथ आपके सारी की सारी तैयारी कराने वाला हूं इसमें क्वेश्चंस का लेवल मीडियम भी है कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और वैसे क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं ये तो होता नहीं है कि हमेशा एग्जामिनेशन में हार्ड हार्ड क्वेश्चन आए तो बेटा देखिए वैसे तो थमनेल लिखा हुआ है चालीस क्वेश्चन लेकिन मैंने लिए हैं टोटल साठ क्वेश्चन तो ये साठ क्वेश्चन का ना छोटा सा टेस्ट है ठीक है आज और यकीन मानना कि मैं देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा है कैसी चल रही है तो क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं इस साठ क्वेश्चन के बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टेस्ट के लिए जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर स्कोर बताइएगा मुझे सबके सब, सब ठीक है आप यहाँ पे मुझे स्कोर जरूर बताएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है चलिए शुरू करते हैं साथियों शुरू करने से पहले बता दू की आज की जो क्लास है ना वो यहाँ पे क्वालिटी वाली भी है लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट का बेटा परिवार है आप यहाँ पे जरा समझिएगा साथ ही साथ बताना चाहता हूँ ये कि देखिए बच्चे आपके रेलवे का जो कैलेंडर आ चुका है अब रेलवे के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको करनी है बेस्ट तैयारी आपकी जो आरपीएफ की बेटा वैकेंसी आई हुई है तो आरपीएफ की वैकेंसी के लिए हमारे पास में डेडिकेटेड बैच चल रहा है जिसमें बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है जो आपको आरपीएफ एस आई के लिए मिलने वाले हैं तो जो बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए किसी भी कारणवश उनसे मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आप यहां पर, आप यहां यहां पर पे हमारे साथ जुड़ सकते सकते हैं हैं बहुत ही बढ़िया के लिए आरपीएफ का बैच भी ले सकते और यदि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं भैया हमारा बैच ऐसा हो कि हमें एक ही बार पढ़ना पड़े और दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े तो साथियों मैं बता दू आपको फटाफट से कि एक हमारा बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है जो है हमारा आर स्पेशल बैच इस बैच के द्वारा आपको भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए दोबारा कभी पैसा और अपना समय इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है एक ही बार में आपकी इतनी बढ़िया तैयारी होने वाली है यकीन मानेगा साथियों क्योंकि ये, तो ये बैच नहीं है ये परिवार है और इस परिवार में तीन बड़े भाई आपके साथ हमेशा आपको पढ़ाने वाले हैं ठीक है थीके? तो ये हमारा छोटा सा परिवार का मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन बारे में चलिए साथियों एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि बेटा बीस तारीख को इस बार बहुत ही बड़ा धमाका है जो आपके लिए किया जा रहा है तो 20 तारीख को साथियों यहां पे साहिल सर आप लोग के लिए बहुत ही शानदार धमाका लेके आए हैं तो 20 तारीख सुबह ग्यारह बजे एक बहुत बड़ा देखिए धमाका है सरप्राइज है जो आप लोगों के लिए होने वाला है तो क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं तैयार हैं साथियों तो जल्दी से बस सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो देखो पहले क्या रहा हूं मुझे फटाफट से कि मुझे वन के लाइक चाहिए चाहिए इस क्लास के बीच में ठीक है तो वन के के लाइक तो चाहिए चाहिए और चलिए करते हैं शुरू इस बहुत ही शानदार प्यारी से क्लास को देखो दी बेटा सुनो आपको बता दो टोटल मेरे पास में सिक्सटी क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चंस का बहुत ही बढ़िया देखिए बेटा सेट होने वाला है और लास्ट में आप सबके सब बच्चे देखिए अपना स्कोर जरूर बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मैं बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर है कितना डेंजर स्कोर है चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ में चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है जल्दी से बताएगा सबके सब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है चलिए चलते हैं थोड़ा सा एक मिनट आगे एक मिनट बालक चलो उसको मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ पेन मैंने ये ले लिया है और मैं अंडरलाइन करने के लिए इसको ये ले लेता हूं ठीक है चलो हाँ देखिए भैया मानवों के अंदर जो आने वाला अवशिष्ट पदार्थ है वो कौन सा है देखिए हम जब बात करें बेटा मानवों के बारे में तो मानव के अंदर देखिए निकलने वाला जो अवशिष्ट पदार्थ है बेटा वो है कौन सा यूरिया तो हमारे शरीर से सबसे ज्यादा मात्रा में जो चीज बाहर निकलती है मलमूत्र के द्वारा वो क्या देखिए बच्चे यूरिया है इस बात को जरा समझिएगा छोटा सा पॉइंट है अगर अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया देखिए पक्षियों के माध्यम से निकलता है तो मानव के अंदर से बेटा क्या निकलता देखिए तो आंसर है यूरिया निकलता है और यूरिया को सबसे पहले ही यहां पे बनाया गया है ऑर्गेनिक रूप में मतलब यहाँ पे लेबोरेटरी में सबसे पहले यूरिया को ही बनाया गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर क्वेश्चन बेटा पूछ लिया जाए कि इनमें से बच्चे फफूंदी के द्वारा किसका उत्पादन होता है फफूंदी के द्वारा फंगस के द्वारा देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से बच्चे किसका उत्पादन देखिए बच्चे यहाँ पे फंगस के थ्रू होगा फंगस मतलब फफूंदी होता है सिंपल सी बात है किसका उत्पादन होता है देखिए बच्चे तो हम जब बात करेंगे तो आंसर है पेनिसिलिन पेनिसिलिन की जो खोज है ना वो यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की जा रही है आपको बताना चाहता हूं कि पेनिसिलियम यहाँ पे नोटेटम नाम का एक फंगाई हुआ करता था उससे ये निकला है और ये पहला एंटीबायोटिक है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट यहाँ पे एंटीबायोटिक कौन सा है तो फर्स्ट देखिए बच्चे जो एंटीबायोटिक खोजा गया है वो पेनिसिलिन है और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई थी जो वास्तव में यहाँ पे कवक से निकाली जाती है लॉजिकली है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि किसका देखिए निकलना किसका उत्पादन यहाँ पे मोल्ड से होता है मतलब फफुंदी से होता है बच्चे तो आंसर यहाँ पे क्या है आंसर पेनेसिलिन है नेक्स्ट देखिए बताइए जल्दी से पादप तथा जंतुओं में परस्पर संपर्क वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं अगर हम बात करेंगे कि वो एरिया ऑफ इंट्रेक्शन क्या कहलाता है जहां पे जंतु जगत और पादप जगत दोनों एक साथ रहती हैं, तो बेटा उस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है जल्दी बताइए देखिए ऐसे क्षेत्र को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कम्युनिटी हमारी जो कम्युनिटीज होती है हमारी कम्युनिटीज के अंदर देखिए बेटा पेड़ पौधे भी मिलेंगे और यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे जंतु जगत भी मिलेंगे अगर हम बात करें बेटा बायोम के बारे में तो बायोम सिर्फ एक क्षेत्र के लिए होता है जैसे बायोम की हम बात करेंगे तो बायोम किसके लिए होता है देखिए साथियों तो बायोम बेसिकली होता है किसके लिए तो ये होता है देखिए हमारे पेड़ पेड़ों के लिए बेटा बायोम नहीं होगा इसका आंसर कम्युनिटी कहलाएगा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सिर्फ प्लांट प्लांट होते तो आंसर बायोम होता लेकिन हम जब यहाँ पे कम्युनिटीज की बात करते हैं तो कम्युनिटीज में दोनों चीजें मिलेंगी तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए बेटा सही जो आंसर हमारा जाएगा वो बायोम नहीं जाएगा वो हमारा कम्युनिटी जाने वाला है समुदाय जाने वाला है इस बात को जरा समझिएगा अगर बायोम की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेटा देखिए प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ देखिए बेटा प्लांट की स्पीशीज अगर मिलती तो हमारी बायोम कहलाती अगर बायोम से ही देखिए बच्चे नया शब्द बना है जिसे बोलते हैं बायोस्फेयर क्या बोलते हैं बायोस्फेयर बोलते हैं बायोस्ेर को हम सिंपल सी भाषा में देखिए जैव जैवमंडल क्या बोलते हैं जैवमंडल बोलते हैं तो जहां पर तीनों के तीनों मंडल मिल जाते हैं वहां पर जीव जंतु का विकास बहुत ज्यादा अच्छा हो क्वेश्चन है आपको बताना चाहता हूं कि आया था, तो बहुत से विद्यार्थियों ने इसका आंसर बायोम लगा दिया जो उनके नजर में सही भी था लेकिन एक्सप्लेनेशन की कमी के कारण इसका सही आंसर बायोम ना बेटा क्या होगा देखिए आंसर सी होगा आप यहाँ पे समझिएगा क्लियर सारी बातें तो समुदाय एक जैविक

जिन नालायकों ने क्लास को बेटा लाइक शेयर नहीं किया बार क्लास को लाइक शेयर कर दो जल्दी से नालायक का मतलब होता है मेरे अपना परिवार की मैं बात कर रहा हूं ठीक है मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूं चलो जल्दी बताइए सबके सब इसका आंसर क्या होने वाला है सब के सब बताओ जल्दी से क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए बताइए कि हम जब बात करेंगे बच्चे अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन यूज फॉर दी वाटर प्यूरिफिकेशन देखिए जब अल्ट्रा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं डिस मतलब हम जब बात करेंगे तो यूवी रेस का इस्तेमाल करके बैक्टीरियाज और अन्य चीजों को मारा जाता है खत्म किया जाता है उसे बोलते हैं डिस करना तो पानी का जो डिस होता है वो यहाँ पे डिसलेट रेस के द्वारा किया जाता है आपको मैं बताना चाहता हूं मतलब बैक्टीरिया बेटा यहाँ पे जर्मन वैज्ञानिक हुआ करते थे विलियम रिटर कौन थे यहाँ पे विल्यम रिटर तो विलियम रिटर के द्वारा देखिए यहाँ पे जो डिस्कवरी है वो की जा रही है ये भी क्वेश्चन देखिए बन सकता है तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करेंगे तो आंसर है कौन बेटा तो आंसर है तो विलियम रिटर के द्वारा ये जो चीज है वो डिस्कवर की जा रही है तो उसमें आंसर सी हो जाएगा हमारा नेक्स्ट देखिए बताइए ऑलिव रिडल इस फेमस बताओ बहुत प्यारा क्वेश्चन है ऑलिव रिडल्स देखिए आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर साथियों बहुत से जीव जंतु मिलते हैं और उन्हीं जीव जंतुओं में से कछुआ है जैसे बोलते हैं क्या तो आंसर है ऑलिव रिडल अब ऑलिव रिडल देखिए बच्चे कछुए की प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है हम जब ऑलिव रिडल की बात करेंगे तो बेसिकली किस राज्य में मिलती है तो ये मिलती है देखिए बच्चे कहां पर उड़ीसा में और उड़ीसा के अंदर यहाँ पे दो नदी है साथियों एक है कौन सी महानदी और एक है जिसका नाम है देवी नदी कौन सी नदी है देवी नदी है तो महानदी और देवी नदी के अंदर यहाँ पे कछुए की खास प्रजाति मिलती है जिसे ऑलिव रिडल कछुआ बोलते हैं इस बात को जरा समझिएगा तो ये बहुत ही फेमस प्रजातियों में से एक है ये सबसे छोटी प्रजातियों में से भी एक मानी जाती है कौन सी ऑलिव रिडल अच्छा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट बताइए द पीपल और ह्यूमन बींग बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल प्रोवाइडर और यूनिवर्सल डोलर ग्रुप अच्छा ये बताओ कि सर्वदाता जो सर्वदाता पूछा गया सार्वधिक प्रदाता हाँ तो यहाँ पे सार्वभौमिक दाता किसे माना गया है कौन सा ब्लड ग्रुप है साथियों जिसे हम सार्वभौमिक दाता बोलते हैं देखिए जो ब्लड ग्रुप ओ है साथियों उसको, उसको, उसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं देखिए सर्वदाता बोलते हैं सिंपल सी बात है क्यों क्योंकि ओ की बात करेंगे तो ओ में क्या नहीं पाया जाता देखिए से तो ओ की हम जब बात करेंगे तो इसके अंदर किसी प्रकार से कि बेटा देखिए जो एंटीजन है देखिए इसके अंदर जो एंटीजन है वो नहीं होता है और वहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चे इसके अंदर पाए जाने वाली एंटीबॉडीज की तो इसके अंदर की बड़ा दो प्रकार की एंटीबॉडीज मिलती हैं कौन सी तो आंसर है ए और बी लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है सबसे कम कौन सा मिलता है देखिए तो सबसे बड़ा सबसे कम पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है ए बी है और ए बी में भी कौन सा ए बी निगेटिव है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ओ निगेटिव वास्तव में बहुत कम मिलता है नो no डाउट लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज में देखू यहाँ पे जनसंख्या के अनुसार देखू तो जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे सबसे कम मात्रा में कौन सा मिलता है तो आंसर ए बी निगेटिव मिलता है जबकि ओ ओर यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पर्सन में वेरी करता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ छोटा सा पॉइंट ठीक है क्लियर सारी बातें तो आप यहाँ पे जरा समझिएगा बेटा ओ नेगेटिव नहीं आंसर सबसे कम जनसंख्या के अनुसार यहाँ पे ए भी नेगेटिव है पता नहीं क्यों तुम लोगों ने ओर निगेटिव रेरेस्ट रे, रे, देखो रेरेस्ट है मैं मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि रेरेस्ट नहीं है लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग बता रहा हूं तो सबसे कम बेटा यहाँ पे ए भी नेगेटिव मिलता है ठीक है आप जरा यहाँ पे समझिएगा एक बात को और सुनो ध्यान से

अब आप इस बात को जरा समझो कि सर हमें कैसे पता कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है इसको जरा से हमारे ब्लड की हम जब बात करेंगे बच्चे तो क्या हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है बिल्कुल मिलती है सर क्या हमारे आरबीसी में बेटा हीमोग्लोबिन होता है बिल्कुल होता है और हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चे देखिए धातु मिलती है जिसे बोलते हैं लोहा तो ब्लड में होती है आरबीसी आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में बच्चे क्या होती है देखिए तो आंसर लोहा मिलता है तो यहाँ पे पाया जाने वाला जो है उसे बोलते हैं आयरन क्या बोलते हैं आयरन इस बात को समझो लॉजिकली

तो ब्लड डोनेशन करते समय देखिए दो चीजें दिखी जाती है सुनना सुनना मैं जो बताऊ देखिए तो ब्लड डोनेशन करते समय दो चीजें होती है देखो से। तो एक होता है बेटा डोनर एक होता है डोनर जो रक्त को देने वाला होता है और एक होता है देखिए जिसे बोलते हैं एसे है, एसेप्टर एसेप्टर मतलब रक्त को लेने वाला आपको मैं क्लियर कर दूं कि फिल्मों में दिखाते नहीं थे कि खोल लिया और चढ़ा दिया बेटा ऐसा नहीं होता है कि अक्सर यहाँ पे खून अगर गलत चढ़ा दिया जाए तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है आप जरा समझिएगा छोटा सा पॉइंट कि खून अगर गलत चढ़ा दिया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है तो ऐसा नहीं है ओ मुझे खून चाहिए खून चाहिए लो निकालना और चढ़ा दिए ऐसा नहीं है भाई साहब यहाँ पे दोनों को चेक किया जाता है एक्सेप्टर को भी और डोनर को भी तो जो डोनर होता है साथियों उसका हम चेक करते हैं एंटीजन क्या खर्चा करते हैं एंटीजन चेक करते हैं और जो एक्सेप्टर होता है साथियों उसका हम चेक करते हैं एंटीबॉडीज अगर मान लीजिए कि एंटीजन एंटीबॉडी सेम है तो कौन मरेगा देने वाला है लेने वाला लेने वाला मर जाएगा अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लड की एंटीजन और ब्लड की एंटीबॉडी सेम है तो बेटा लेने वाला मर जाएगा पहले बता रहा हूं ठीक है अब इस बात को जरा समझिएगा अब देखिए एबी की बात करते हैं भैया है, तो एबी के अंदर यहां पे एंटीजन तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती सुनो तो एबी के अंदर यहाँ पे जो एंटीजन है वो दोनों है ए और बी है ए और बी है लेकिन इसके अंदर देखिए बच्चे किसी प्रकार से एंटीबॉडी नहीं होती जीरो होती है तो इस वाले कंडीशन के अंदर मैं जब बात करूंगा तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है ना बेटा वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है क्यों ले सकता है क्योंकि ये कैसा है सर्वग्राही है सर्वग्राही मतलब समझ में आया छोटा सा पॉइंट कि सर्वग्राही बेटा होता है जो यहाँ पे सबसे रक्त ले सकता है तो लेने वाला बेटा मर जाता है यदि उनकी एंटीबॉडी और एंटीजन सेम हो जाती है देने वाला कभी नहीं मरता हमेशा लेने वाला ही मरता है पहले बता रहा हूँ आपको मैं चलो लॉजिकली सारी बातें जल्दी बताइए मुझे कॉमेंट अच्छा, सब सब, में बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सुनो अल्टीमेटली देखिए साइंस क्या है साथियों मजेदार चीज है आप मेरे कंसेप्ट के साथ मेरे एक्सप्लेनेशन पे जाएगा क्योंकि मेरे एक्सप्लेनेशन बड़ी मजेदार होते हैं साहब आपको यहां पे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा गारंटी बता सकता हूं मैं आपको ठीक है चलो एक ही यहाँ पे आशिक आया हमारी क्लास में वो आशिक पता नहीं तीन चार दिन से प्रपोजल कर रहा है बेटा सुन ले बिटिया ये नहीं तो मर जाएगा बेचारा है ना हमारे देश में इतना होनहार काबिल बेरोजगार युवा है वो मर जाएगा उसको सुन ले बेटिया जरा क्या बोलना चाहता है ये है ना बस सही बात है सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं कि जो प्रेमी मिलते हैं ना वो यूट्यूब पे मिलते हैं यूट्यूब पे भी कहा मिलते हैं कमेंट सेक्शन मिलते हैं अबे प्रेमियों लप्पू लप्पू अब वो सही मना है सा तो मान ले लिया गया एकदम कमेंट चलो अब जरा यहां देखिए सबके सब ठीक है अब जरा यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आठवा हो गया हमारा देखिए नौवा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द किडनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग्स देखिए किडनी की हम जब बात करेंगे बच्चे तो किडनी का मेन काम क्या है तो किडनी का मेन काम है हमारे शरीर से यहाँ पे गंदगी को बाहर निकालना और जब गंदगी बेटा बाहर निकाली जाती है तो उसको देखिए उत्सर्जन कहते हैं एमिशन कहते हैं सब गंदगी मतलब ये यूरिया को बाहर निकालती है तो हम जब बात करेंगे तो किडनी के द्वारा बच्चे जो यूरिया होता है ना इसको बाहर निकाला जाता है तो इसमें मारे किडनी का हमारा काम हो जाएगा का। सिंपल सी बात है जल्दी बताइए एक एलिमेंट यहाँ पे स्टेबिलिटी प्राप्त करता है जब उसमें क्या चीज पूरी हो जाती है देखिए बेटा या तो उसके दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए या फिर आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए तो दो इलेक्ट्रॉन से या आठ इलेक्ट्रॉन्स को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं ड्यूपलेट या ऑक्टेट तो अगर किसी तत्व के अंदर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स या आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो उसको देखिए बेटा स्टेबिलिटी मिल जाती है और स्टेबिलिटी मिल जाने पर उसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं देखिए बच्चे स्थिर हो जाना क्या बोलते हैं स्थिर हो जाना इस बात को आप समझ चुके हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर्मिक एसिड का जो उत्पादन है वो किसमें से होता है अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा है, सर जो फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड एसिड है है मिलती कहां पर देखिए की हम जब बात करेंगे तो अक्सर इसके काटने से भयंकर पे चुभन का एहसास होता, होता है तो ये अक्सर मिलती है लाल चीटियों के अंदर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में साथियों बहुत जगह पर लाल चीटियों को खाया जाता है जैसे आपको बताऊं कि उड़ीसा के अंदर यहाँ पे देखिए हमारा राज्य है साथियों जिसका नाम है उड़ीसा तो उड़ीसा के अंदर यहाँ पे एक इलाका मिलता है जिसका नाम है मयूर नाम है सुना आपने तो मयूर के अंदर यहां पे रेड एंड्स होती हैं जिसे हम लाल चीटियां बोलते हैं अब ये लाल चीटियों को बेटा भुनकर खा लेते हैं भुनकर खा लेते हैं देखिए। और इन चीटियों को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं काई क्या बोलते हैं काई और इससे चटनी बनाते हैं जिसे बोलते हैं काई चटनी इस इसकाई चटनी को यहाँ पे देखिए बेटा टैग दिया गया जिसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं जी टैग कब मिला है दो में तो जनवरी दो हजार चौबीस में को जी आई टेक दिया गया उड़ीसा के अंदर आप इस बात को भी जरा समझिएगा ठीक है तो यहां पे देखिए तो यहाँ पे देखिए तो बच्चे काई चटनी है जो बन जाती है और ये बेसिकली देखिए यहां पे किससे मिलती है तो चीटियों को काट कर चीटियों को देखिए यहां पे चीटियों से बनाई जाती है जीआई टैग मिला हुआ है ठीक है कब मिला यहाँ पे तो ये देखिए बच्चे मिला है कब यहाँ पे दो हजार चौबीस में हाँ सिमली पाल भाई बार देखो उड़ीसा है बेटा तो उड़ीसा के मयूरभंज की हम बात करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए ध्यान से इन में से बच्चे कौन सा यहाँ पे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है यहाँ पे पृथ्वी पर देखिए लिविंग बर्ड की हम बात करते हैं लिविंग बर्ड बेटा हम पक्षियों की बात कर रहे हैं और पक्षियों में सबसे बड़ा जो पक्षी देखिए लिविंग है बच्चे वो कौन सा देखिए तो आंसर है ऑस्ट्रिच है कौन सा ऑस्ट्रिच है अगर देखिए हम बात करें बच्चे एलबर्टरॉस के बारे में आपने पता नहीं कि पता नहीं लेकिन हमारी जब यहाँ पे स्कूल में थे हम लोग तो स्कूल के अंदर ना बच्चे यहाँ पे कहानी हुआ करती थी एल्बर्टरॉस की तो एलबर्ट रॉस की मैं बात बताऊ यहां पे बता रहा हूं इस बात को जरा समझिएगा ठीक है तो यहां पे देखिए लेकिन सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो वर्तमान में मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा देखिए ऑस्ट्रिच मिलेगा नेक्स्ट देखिए ध्यान से इनमें से बच्चे कौन सा स्मॉलेस्ट पक्षी है ये दोनों पूछे हैं आपके एग्जामिनेशन में तो सबसे स्मॉलेस्ट बेटा जो पक्षी मिलता है उसका नाम है हमिंग बर्ड क्या है हमिंग बर्ड एक्चुअल में ये कहा जाता है साथियों कि हमिंग बर्ड के यहाँ पे पंख फड़फड़ाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी ज्यादा हाई होती है इतनी ज्यादा हाई होती है कि ऐसा लगता है साथियों ऐसा लगता है कि ये जो है वो स्टेबल है स्टेबल मतलब हम जब बात करेंगे स्टेबल मतलब यहाँ पे स्थायी है लेकिन इसकी पंक्ति की फड़फड़ाने की जो फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं तो मैं ऐसा लगता है स्टेबल है हवा में उड़ भी सकता है पीछे की तरफ ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए बताइए लार्जेस्ट मैमल देखिए लार्जेस्ट स्तनधारी कौन सा है तो सबसे लार्जेस्ट बेटा स्तनधारी है बेल और वेल के अंदर भी कौन सी नीली वेल तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा वेल हो जाएगा अब वेल और ब्लू वेल देते तो आप इसका आंसर ब्लू वेल लगाते नीली वेल लगाते आप इसको जरा समझिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से देखो ऐसा कौन सा पशु है साथियों जो अपेक्षाकृत अधिक ग्रीष्म तापमान को सहन कर सकता है देखिए हम जब बात करेंगे तो ग्रीष्म तापमान को सहन करने का रीजन क्या है, है। साहब कि हमारा राजस्थान का इलाका जैसे मैं एग्जाम्पल लिखे चलता हूं आपको तो हमारे राजस्थान के क्षेत्र में अक्सर पशुपालन के तौर पर यहाँ पे भेड़ बकरियों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है आपको या तो ऊंट मिलेंगे या भेड़ और बकरियां मिलेंगी तो भेड़ और बकरियों के

ताकि उनके यहाँ घधो का उत्पादन कैसा है ज्यादा है वहाँ पे गधे सबसे ज्यादा मिलते हैं है, है। तो अच्छा, भी है कहाँ की मिलती है तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक अंगोरा प्रजाति है तो अंगोरा प्रजाति की जो बकरियां है साथियों उनकी ताप को सहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से इनमें से बच्चे कौन सा यहाँ पे सर्वाधिक लॉन्गेस्ट बर्ड माना गया लॉन्गेस्ट बेटा पक्षी माना गया सर क्वेश्चन नंबर आठ को फिर से कर दीजिए क्या बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आठ में बेटा दिक्कत क्या आ रही है बता ना मुझे बेटा सही तो है दिक्कत क्या इसके अंदर सही है सही है नहीं नहीं आप देख लीजिएगा बेटा दोबारा से रिपीट करके इसको अब मैं आगे चल रहा हूं ठीक है देखिए तो लॉन्गेस्ट बर्ड की हम जब बात करते हैं देखिए बेटा लॉन्गेस्ट बर्ड हमारा कौन सा है तो लॉन्गेस्ट बर्ड जो हमारे बेटा मिलेगा वो कौन सी मिलेगी सिंपल सी बात है कि पीकॉक नहीं बेटा पीकॉक नहीं है इसका आंसर देखिए हमारा ऑस्ट्रिच ही है तो ऑस्ट्रिच यहाँ पे सबसे लंबे देखिए यहाँ पे बर्ड में से एक मानी गई है सिंपल सा क्वेश्चन था चलो अब आते हैं देखिए मैच दी फॉलोइंग पे जल्दी बताइए मुझे कॉमेंट के अंदर बच्चे की मैच दी फॉलोइंग में सही आंसर क्या होने वाला है सबके साथ कॉमेंट करो और जिन बच्चे ने बेटा अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया जल्दी से बेटा क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा बहुत बढ़िया क्लास चल रही है मजेदार क्लास से चल रही है ठीक है देखो हंसी मजाक बेटा एक तरफ है लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक क्लास में लेके आया ना ये क्लास देखिए बच्चे आपकी यहां पे सही तैयारी का लेवल बताने वाली है अभी लास्ट में आपसे स्कोर पूछूंगा और मैं बताऊंगा कि इसका सही स्कोर क्या होना चाहिए था अगर आप सही रूप से तैयारी करते हैं मैं ये तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए मैं बताऊंगा अभी आप हंसी मजाक कर जरूर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में सारी सारी बातें बताने वाला हूँ बताइए देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है सबके सर सब बहुत ही बढ़िया देखिए हम जब बात करते हैं क्या इसका क्वेश्चन देखिए पूछा गया है उसको बताइए जल्दी से मुझे सबके सर देखिए अगर देखिए हम एडवर्ड जेनक की बात करते देखिए तो एडवर्ड जेनक के द्वारा यहाँ पे टीकाकरण विकसित किया गया है वैक्सीनेशन बनाया गया है ठीक है यहां पे देखिए वॉटसन ने क्या बनाया भैया तो वॉटसन ने बनाया देखिए डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है लैंडस्टेप के द्वारा देखिए बच्चे यहाँ पे रक्त समूह की खोज की गई है और प्लेम्बिंग ने देखिए बच्चे यहाँ पे पेनिसिलिन बनाई है तो थ्री फोर वन टू तो थ्री फोर वन टू किस में दिया गया है तो थ्री फोर वन टू दिए बच्चे हमारे किसमें नहीं नहीं थ्री फोर वन टू इसमें नहीं है थ्री फोर वन टू किस में सी ऑप्शन तो में दिया गया है तो थ्री फोर वन टू इज द राइट आंसर सी तो सी हमारा देखिए बच्चे क्या है सही आंसर है थ्री फोर वन टू होगा इसका आंसर देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये नेक्स्ट देखिए बताइए ये जो बी वेमन होती है मतलब यहाँ पे मधुमक्खी जो काटती है आपको तो मधुमक्खी के काटने पर दर्द का एहसास होता है बिल्कुल होता भी है भैया सही बात है तो यहाँ पे दर्द का जो एहसास हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि उसमें एसिड है कौन सा है? है। आप यहाँ पे मिलती है। जिस से दर्द का एहसास होता है आप जब इसको दर्द को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे तो आप यहाँ पे लगा लेते हैं किसको यहाँ पे लोहे को या फिर किसी भी यहाँ पर बेस को उसे दर्द कम हो जाएगा उन्नीसवा देखिए भैया कि एक आलू की कंद को दो भाग में काटा जाता है उसके कटे भाग पर आयोडीन का घोल लगा देते हैं तो उसमें किस रंग में बदलाव हो जाता है अब आप जरा यहाँ पे समझिएगा बहुत बढ़िया देखिए कंसेप्ट है सुनो देखिए हम जब आलू की बात करेंगे बच्चे तो आलू में देखिए पाया जाता है स्टार्च क्या मिलता है स्टार्च मिलता है बोलो हाँ अब देखिए जो स्टार्च होता है ना साथियों ये कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट अपने रंग में बदलाव करता है तो यहाँ पे स्टार्च देखिए बच्चे कैसा होता है देखिए तो स्टार्च हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो जाता है बोलो हाँ या ना आपने नोटिस किया होगा देखिए ध्यान से कि कि स्टार्च यानी आलू को अगर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया जाए तो आलू के ऊपर देखिए भूरे रंग की बड़ा परत आ जाती है अब इस इसपे यदि आयोडीन डाल दोगे तो आयोडीन के डालने से देखिए बच्चे इस इसपे यहाँ पे एक कलर होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में ब्लू ब्लैक बोलते हैं मतलब पहले तो नीला पड़ेगा और नीले के बाद काला पड़ जाएगा तो यहाँ पे जो ब्राउन रंग है ना वो यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चे ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि स्टार्च को पता कर आयोडिन का इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्च को पता करने के लिए यहाँ पे जिसका इस्तेमाल किया जाता है देखिए बच्चे कौन सा वो आयोडीन है तो आलू को देखिए आयोडिन करेंगे तो आलू आलू का आयोडिन करने पे बच्चे इसमें यहाँ पे चीजें बदल जाती है ठीक है चलो आपको देखिए बेटा चीज मैं बताना चाहता हूं एक बच्चा मैंने कॉमेंट किया मैंने पढ़ा सर आपने ये बाल बार क्यों कटा दिए अरे अब मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा बात ये ऐसी है कि आठ मार्च को लगभग आज से नौ दिन पहले की बात है एक हफ्ता हो गया है प्रापक्स पिछले फ्राइडे की बात है मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया था और यही रीजन है साथियों कि मैं कुछ क्लासेस नहीं ले पाया था आपके बीच में तो आज मेरा मन किया चलो आपको स्पेशल क्लास दे के देते हैं तो इस परिवार पे नियत देखिए नियत कितनी साफ है तो मेरे छोटे भाई बहनों को नुकसान हो रहा था <coughs> तो यही रीजन था बच्चे बाकी देखो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पे ही हैं। आपका एग्जामिनेशन इसी लेवल पे आता है ठीक है एक बच्चे बोले सर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिए बेटा मैं आपको पहले बता दे मैं चाहूं तो, तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ कुछ भी पढ़ा सकता हूँ तो ऐसे क्वेश्चन करा जाता हूँ तुम्हें पल लेना पड़ेंगे लेकिन क्या मतलब मैं तुम्हें ज्ञाता बनाने के लिए नहीं आया बेटा मैं तुम्हारा पेपर निकलवाने के लिए आया दोनों में अंतर होता है पे ना ब्रह्म है ना अक्सर भ्रम फैलाया जाता कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ यही करो क्या वास्तव में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए ए का पेपर तो बेटा हर कोई देगा क्या सारे के सारे जो चालीस के चालीस क्वेश्चन साइंस के हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि किसी से बने नहीं नहीं देखा जाए भैया तो चालीस में से लगभग बीस क्वेश्चन हर कोई कर पाएगा दस क्वेश्चन को मेहनत करना कर, मेहनत वाला कर पाएगा और दस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वास्तव में वही कर पाएगा जिसने पढ़ाई की है तो अब समझो मैं आपको वही करा रहा हूं साथ जो एग्जाम में आता है मेरी बस की बात होती तो मैं ऐसे 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 नोमैकल लेके आता तुमसे तो हवा भी नहीं बनती और फिर तुम तो बोलते वाह सर मजा आ गया क्या क्वेश्चन है लेकिन उससे बेटा तुम्हारा पेपर निकलता नहीं तो समझो दो बातें बता रहा हूं यूट्यूब पर बड़ी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं ऐसी फैलाई जाती है कि ऐसी क्वेश्चन करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा ना वास्तविकता की बात करते हैं रियलिटी की बात करते हैं आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं मैं तुम्हें बेटा यहां पे ज्ञाता बनाने के लिए नहीं आया हूं मैं तुम्हें यहां पे पीएचडी कराने के लिए नहीं आया हूं मैं तुम्हारा सिलेक्शन निकलवाने के लिए आया हूं तो आप समझो कि तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली टू द पॉइंट है और अगर लगता है तो क्वेश्चन दो इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे मैं मान जाऊंगा तुम्हारा लेवल हाई है बताओ जल्दी से इस से इसका आंसर सबके सब है सब, है ना देखो ध्यान अब हम देखिए जब बात करते हैं बच्चे तो कौन सी यहां पे दवाई है जो तनाव प्रतिरोधी के रूप में जानी जाती है अब देखिए हमारे एग्जामिनेशन में ना कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे ड्रग्स से पूछे गए हैं दवाइयों से पूछे गए हैं जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है साथियों तो यहाँ पे एक दवाई यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बुर्पोप्रियोन ये आप जब भी पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में तो ड्रग्स में सीधे सीधे दिया गया है तो यहाँ पे बुपड़ो की जो दवाई होती है बेटा वो तनाव प्रतिरोधक के रूप में यूज की जाती है इसको यहाँ पे बेसिकली देते हैं मनोरोग के लिए मतलब जो इंसान यहाँ पे मानसिक रूप से बीमार होता है उसको ये दवाई दी जाती है और जिस कारण से उसको देखिए यहाँ पे जो नींद है वो आना शुरू हो जाती है तो ये एंटी स्ट्रेस वाली दवाई है आप यहाँ पे जरा समझिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से और भी पूछे गए इनमें से बच्चे कौन सा एग्जाम्पल देखिए माना गया है टिश्यू का एग्जाम्पल किसका देखिए उत्तक का एग्जाम्पल है अब हम जब बात करेंगे बेटा वींस क्या वींस हमारी उत्तक है? नहीं है देखिए उतक होती क्या है जो बेटा यहाँ पे कोशिका और अंग के बीच में मिलती है उसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं उतक बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड है बच्चे वो उतक है और आपने पढ़ा होगा कि ब्लड ब्लड के बारे में हमारा देखिए बच्चे एक प्रकार का संयोजी उतक होता है जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं तो ब्लड भैया क्या है तो ब्लड हमारा एक प्रकार का संयोजी उतक है आप ये भी जरा समझिएगा नेक्स्ट देखिए बताइए हीमोग्लोबिन यहाँ पे किसमें पाई जाती है तो हीमोग्लोबिन हर किसी में नहीं पाई जाती हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ देखिए बेटा मिलती है कहां पर आरबीसी में कसम आरबीसी में, में पाई जाती है अच्छा मैं एक चीज को बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट देखिए बेटा देखिए एक होता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक होता है देखिए ऑक्सी हिमोग्लोबिन सुनो तो हम देखिए दोनों की बातों को जरा समझते हैं सुनो ध्यान से तो एक होता है बच्चे जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन और एक होती है भैया जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं ऑक्सी क्या बोलते हैं बोलते हैं अच्छा ये बताओ कि दोनों एक हैं दोनों अलग अलग हैं दोनों अलग अलग हैं है नीला और इसका रंग देखिए बेटा होता है कैसा लाल क्या पे? लाल होता है इसमें पाया जाता है लोहा और इसमें मिलता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन के अंदर भी वास्तव में लाल रंग किसमें होता है तो लाल रंग बेटा हीमोग्लोबिन में नहीं होता लाल रंग होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में इज और यहां पे ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत हो जाता है को हम सिंपल एफ ई प्लस टू बोलते हैं इस बात को जरा समझिएगा तो हीमोग्लोबिन का जो मूल रंग होता है जो बेसिक रंग होता है वो नीला होता है आफ्टर दी ऑक्सीडेशन ऑफ दी ब्लड इट गैस टर्न इंटू रेड ठीक है आप इस बात को समझ चुके हैं चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए देखिए किस औषधि का उपयोग बेटा यहाँ पे मधुमेह की दवा, दवाई के विरुद्ध में किया जाता है देखिए फिर से क्वेश्चन बैठा दवाई से पूछे गए अब ये जो सब क्वेश्चन थे वो 2018 में पूछे गए थे तो 2018 में जो टेक्नीशियन आपका हुआ था ना बच्चे उसमें हमने बात यहाँ पे की है ठीक है देखो उसकी हम बात यहाँ पे करते हैं तो सीधे सीधे आपके ड्रग्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे अब मैं ये बताना चाहता हूं देखिए छोटा सा पॉइंट आप इसका आंसर चलो जल्दी बताओ सबके साथ देखिए हम जब एंटी डायबिटिक दवाई के रूप में याद करते हैं अच्छा एक काम करना सुनो एक काम करना बेटा सुनो इसका आंसर मैं तुम्हारी होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं ठीक है आप एक काम करना बेटा इसका आंसर देखिए मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा सबके साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट तो कर देंगे क्लास खत्म नहीं हुई है क्लास खत्म नहीं हुई है क्लास खत्म नहीं है अभी चलेगी ठीक है मैं चाहता हूं साथियों कि आप इसका आंसर मुझे होमवर्क क्वेश्चन में जरूर बताएगा ठीक है चलो तो यहाँ पे कौन सी दवाई है साथियों जिसका इस्तेमाल हम देखिए एंटी डायबेटिक तो एंटी डायबेटिक के रूप में यूज करते हैं ठीक है चलो अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डायनासोर बेटा क्या थे ओहो भाई साहब डायनासोर की बात करते हैं डायनासोर पे क्या थे देखिए डायनासोर की हम बात करते हैं हैं तो ये हमारे हमारे पृथ्वी पर रहने वाले अभी तक के सबसे बड़े स्तनधारी रह चुके देखिए देखिए मैं बताना चाहता हूँ ये स्तनधारी थे क्या नहीं साहब एक्चुअल में देखा जाता है डायनासोर का जो विकास हुआ था बच्चे वो उड़ने वाले नहीं थे डायनासोर का जो विकास हुआ था वो यहाँ पे रेंगने वाले जीव जंतुओं से हुआ था मतलब ये रेप्टाइल्स हुआ करते थे तो कहते हैं कि पैंसठ मिलियन वर्ष पहले 50, 65 फाइव मिलियन पहले की हम बात करते हैं तो मेजोजोइक काल चल रहा था उस समय ये विलुप्त हो गए थे कहते हैं कि युकाटन जो प्रायद्वीप मिलता है युकाटन जो प्रायद्वीप है ना कहां पर ये अमेरिका के पास में है तो युकाटन प्रायद्वीप पे एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा और जिससे सारे के सारे जो डायनासोर्स थे वो क्या हो गए थे बेटा तो आंसर है यहां पे विनाश हो गए थे अब मुद्दा ये बनता है सर क्या ये मैमल्स थे नहीं ये मैमल्स नहीं थे बच्चे मैं पहले क्लिक करना चाहता हूं कि ये डायनासोर मैमल्स नहीं थे डायनासोरस के बारे में आप जब पढ़ोगे ना तो ये एक तरह के सरीसृप हुआ करते थे रेप्टाइल्स हुआ करते थे जो यहाँ पे विलुप्त हो चुके हैं तो ये बेटा रेंगने वाले जीव हुआ करते थे जो विकसित होते होते हो के अपने पांव पे चलने में सक्षम हो गए थे जैसे मान लीजिए छिपकली है तो छिपकली जैसे डायनासोर हुआ करते थे जो छिपकली किस में शामिल है बेटा रेप्टाइल्स में शामिल है अब मान लीजिए छिपकली यहाँ पे इतनी डेवलप हो जाए कि छिपकली अपने दो पैर पे चलना शुरू कर दे तो उसके दो पैर कैसे दो पैर कैसे खाली हो जाएंगे चिपकले के चार है ना भी, तो दो पांव की खाली हो जाएंगे तो मान लीजिए रेप्टाइल्स थे जो बहुत ज्यादा विकसित हो चुके थे और ये डेवलप होने के बाद खत्म हो गए यहाँ पे कैसे यहाँ पे परमाणु बम से नहीं यहाँ पे कॉमेट गिरा उल्का पिंड ग्रह उससे चलो बताओ जल्दी से देखिए फटाफट से यहाँ पे एक्सटिंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है <laughs> बच्चे बोल रहे थे ना तो सर लेवल नहीं है बताओ तो पच्चीस 25 25 बता भाई भाई स्कोर रहा हो साठ क्वेश्चन करने हैं तो बेटा सुनो मुझे मत बताओ कि लेवल क्या है एक बहुत अच्छी कहानी बताई जाती है एक बहुत अच्छा कोटेशन है कोटेशन क्या है कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज समझ आया छोटा सा पॉइंट तो मुझे मुझे मत बताओ कि भैया को मत बताओ कि लेवल क्या होना चाहिए क्लासेस का भैया इतना ज्यादा जानता है कि तुम्हारा पेपर निकलवा देगा ठीक है अब जरा यहां बताइए मुझे देखिए एक्सटेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं साथियों हो, उनके स्टडी को क्या कहा जाता है तो उनकी स्टडी को बच्चे हम बोलते हैं सिंपल सी भाषा में प्लेनेटोलॉजी क्या बोलते हैं प्लेनेटोलॉजी बोलते हैं तो प्लेनेटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान का नाम होता है जिसमें वो शाखा होती है जिसमें पृथ्वी की सतह के नीचे जो दफन जीव जंतु हैं उनके जीवाशु को इकट्ठा करके उनके जीवाशु का अध्ययन किया जाता है जिसमें जीवाशुम की जो आयु होती है उसको पता लगाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है तो आंसर है प्लानिटोलॉजी कहलाती है इस बात को जरा समझिएगा नेक्स्ट देखिए बताइए हम जब बात करेंगे तो कौन सा जीव है साथियों जो ग्रीन हाउस गैस जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और मीथेन को सबसे ज्यादा उत्सर्जित करता है कौन सा जीव जंतु है जो सबसे ज्यादा देखिए ग्रीन हाउस गैसेस को बनाता है तो सबसे ज्यादा देखिए बेटा ग्रीन हाउस गैसेस को बनाने वाला जीव जंतु है बैक्टीरिया क्या बात करती भैया यस बैक्टीरियास बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोस ऑक्साइड मीथेन और जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस है उनका यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन करते हैं कैसे अवैवी अपघटन से मतलब एनोरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कौन बनाते हैं तो आंसर है बैक्टीरिया बनाते हैं आप इस बात को समझो अच्छा क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि चॉकलेट बेटा यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है देखिए चॉकलेट के अंदर बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है निकल मिलता है शीशा मिलता है अब आपको मैं बताना चाहूंगा छोटा सा पॉइंट कि चॉकलेट के बनाने की प्रोसेस में बेटा देखिए हम निकल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में मिलता है शीशा जिसे बोलते हैं लेड एक्चुअल में होता क्या देखिए कि चॉकलेट के अंदर थोड़ी सी कठोरपन और हम जब बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे शीशे की मात्रा ज्यादा होती है जिस कारण से चॉकलेट खाना ज्यादा सही नहीं

इसमें अच्छा बैक्टीरिया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे ठीक है जल्दी बताओ बताओ अच्छा एक चीज मुझे सबके पहले कामेंट के अंदर अभी अभी के अभी। <coughs> कितना कुछ नया सीखने को मिला जल्दी बताओ पहले मुझे सबके मैं देखना चाहता हूं कि जितने मेरे छोटे भाई बहन पे लाइव सात सौ आठ सौ बच्चे अभी यहाँ पे चल रहे होंगे कम नहीं आपको लगता नहीं कि इस क्लास के लिए इतने बच्चे थोड़े से कम हैं आपको लगता नहीं है साथियों कि ये जो क्लास चल रही है इसके अकॉर्डिंग आपकी संख्या थोड़ी सी कम है लगता है मेरे छोटे भाई बहनों ने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है ओहो अच्छी बात नहीं है नालायक को शेयर कर दो जल्दी से और कुछ मेरे नालायक विद्यार्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे इसको बेटा यहाँ पे लैक नहीं किया है <coughs> चलिए आगे चले देखिए ध्यान से चलो भैया आगे चले देखो तो मैंने बताया कि यहां पे देखिए शीशा होता तो शीशा इज द राइट right आंसर देखिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो हमारी किडनी बेटा खराब हो जाती है किस कारण से तो किडनी की जब बात करेंगे किडनी डिसऑर्डर जो हो जाती है तो किडनी डिसऑर्डर यहाँ पे किस कारण से हो जाती है ये बताओ जल्दी से सबके साथ देखो तो किडनी की बेटा डिसऑर्डर होने के पीछे किसका इस्तेमाल देखिए करती है किसका रीजन होता है कैडमियम का है आयरन का कोबाल्ट का देखिए बच्चे कार्बन का तो किडनी बेटा खराब होती है बेसिकली कैडमियम के कारण आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बीमारी होती है जिसे बोलते हैं इटाई इटाई ठीक है इताए, इताए, तो इटाई इटाई जो बीमारी है वो यहाँ पे हमारे कैडमियम के कारण होती है और इटाई इटाई में सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है हमारे किडनी पे पड़ता है हमारे न्यूफ्रॉन्स पे पर पड़ता है तो न्यूफ्रॉन्स हमारे खराब हो जाते हैं इस बात को जरा समझिएगा आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है ठीक है देखिए बताइए इनमें से बच्चे जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट के द्वारा लाए जाते हैं तो हमारी जो कीट होते हैं तो कीटों के द्वारा जो परागण प्रोसेस की जाती है वो कैसी होती है देखिए बेटा कीटों के अंदर होता कैसा सुनो ध्यान से मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक कीट पतंगा है वो इस इस देखिए बेटा यहाँ पे फूल पे बैठा उड़ा तो उड़ने से होगा क्या कि बहुत सारे जो परागकण होंगे वो चिपक जाएंगे उसमें फिर वो उड़ के दूसरे पे आएगा और दूसरे पे आएगा भैया तो वहां पे पोलिनेशन की प्रोसेस करवा देगा तो वहां पर होने वाली जो प्रोसेस होती है वो खुरदरी होती है वो चिपचिपचिपी -चिप होती है तभी तो यहाँ पे जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं बोलो है ना कि फूल फूल पे भवरा बैठे और फूल खिलाए ये बात यहाँ पे की जा रही है तो आप यहाँ पे जरा समझिएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए कि इनमें से बच्चे यहाँ पे जो डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसने आगे बढ़ाई है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया देखिए विकास के सिद्धांत को देने वाले बहुत से वैज्ञानिक थे लेकिन कहा जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने दिया है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन मतलब विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो चार्ल्स डार्विन ने किया है इसको जरा समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने से पहले बता दो भैया कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है बहुत बड़ा सरप्राइज है तो 20 तारीख को सुबह 11 बजे आपके प्यारे साहिल सर आपके लिए बहुत ही बड़ा धमाका लेके आने वाले और इस धमाके के अंदर एक ऐसी चीज होने वाली है जिसको पढ़ने के बाद या जिसको सुनने के बाद अब आप आपकी पढ़ाई का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है देखिए साथ ही हुआ क्या था मैं आपको आपको बता दूं कि यहाँ पे ये परिवार सिर्फ और सिर्फ हमेशा आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन में ही बिलीव करता है और हमारा ये डेडिटर्मिनेशन है और हमारा ये डेडिकेशन भी है कि हम हर 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 समय बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीजें दे पाए तो यकीन मानेगा कि इस बार बीस तारीख को इतना शानदार अनाउंसमेंट किया जा रहा है आप लोगों के लिए और कुछ फ्री में बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है तो वो चीजें आपको मिलने वाली है तो आप सबके सब जाएगा इवेंट बन चुका है साथियों ठीक है इवेंट बन चुका है देखिए ध्यान से चलिए बताइए जल्दी से <coughs> <coughs> बच्चे देखो जिनको जिनको फाउंडेशन पढ़ना है ना तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा साइंस फाउंडेशन बैच चल रहा है और मेरा बेटा साइंस फाउंडेशन पे चल रहा है इतना कमाल का बैच चल रहा है उसमें आपको हर लेवल की साइंस मिलेगी मतलब एक ऐसी साइंस है जिसको पढ़ने के बाद ना तुम्हें रेलवे के लिए टेंशन लेनी है ना तुम्हें यहाँ पे एसएससी एस सी के लिए टेंशन लेनी है और ना ही तुम्हें भारत के किसी भी वन डे एग्जामिनेशन के लिए टेंशन लेनी है मतलब वो जीएस फाउंडेशन इतना बढ़िया बैच है मेरा जीके और जीएस फाउंडेशन का कि आपको भारत के हर लेवल तक की जो साइंस है उसमें मिलेगी बहुत ही कमाल लेवल से और प्रैक्टिस भी चल रही है मजेदार बात तो ये है ठीक है चलो नेक्स्ट बताइए देखिए जल्दी से क्वेश्चन क्या है कि इनमें से बच्चे कौन सा यहाँ पे लंबा और देखिए थिन टाइप की यहां पे घास मानी गई है घास देखिए जो बांस 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 होती है सुनो का का पौधा बोलो हाँ। तो बांस का जो पौधा है ना बच्चे वो घास होती है तो बांस पौधा वास्तव में क्या है तो बांस देखिए बच्चे एक तरह का यहाँ पे घास मानी गई है इसको जरा समझिएगा तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर है वो देखिए वो क्या होगा बेटा बांस हो जाएगा बेम्बू हो जाएगी नेक्स्ट बताओ देखिए, बायोगैस के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पे सत्य माना गया है चौथी फॉलिंग इज ट्रू रिलेटेड बायोमास की मैं जब बात करूंगा ये निकलती कहां से? तो जो जो होती है, जो होती है है हो, पे चीजों को देखिए के माध्यम से निकालते हैं। आपने गोबर कूड़ा कचरा देखिए डाल दिया उसको ढक्कन से बंद कर दिया ढक्कन से बंद करने का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस जा नहीं रही है अब उसमें देखिए बैक्टीरियाज और अन्य चीजों की सहायता से हम जब बात करेंगे तो भैया वो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी और वहां पर होने वाली जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को बेटा सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं तो उसे बोलते हैं किनवन की रिएक्शन तो यहाँ पे किनवन की प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और उसी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बहुत सारी गैसें बनती है जिसमें मिथिन गैस बनेगी तो आंसर डी हो जाएगा बताइए जल्दी से इन में से बच्चों कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रैपिडली रैपिडली पे विकसित विकसित होता होता है है बताओ जल्दी से से तेज गति बढ़ते हैं सबसे तेज गति से बढ़ते हैं सबसे तेज गति से बेटा बढ़ते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया जितनी तेज गति से बढ़ते हैं साथी उतनी ही तेज गति से मर भी जाते हैं आपको बताना चाहता हूं कि मोनेरा संघ में यहाँ पे बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं सिंपल सी बात है और जीवाणुओं के अंदर बेटा बाइनरी फिजन होता है क्या होता है बाइनरी फिजन मतलब इसके अंदर पे दुई विखंडन दुई होता है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ छोटा सा पॉइंट ठीक है तो यहाँ पे जीवाणु के अंदर यहाँ पे बाइनरी फिजन होता है बहुत तेज गति से बढ़ते हैं अच्छा सारे के सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं जैसे लेटोबेजिलस हो गया बहुत से बैक्टीरिया है

ये जो और भी बाकी जो देश है ईरान देखिए ईरान की हम बात कर लेते हैं तो वहां पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है कौन सा तो आंसर यहाँ पे शत्रुमुख मिलता है अब शत्रुमुख के अंदर कहते हैं कि उड़ नहीं सत्ता सबसे तेज गति से दौड़ सकता है एक सामान्य शत्रुमुख जो वयक्स अवस्था में जो जवानी के दिनों में चल रहा है वो सत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और कहते हैं साथियों कि इसकी ठोकर से इंसान की मृत्यु हो सकती है यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया का इलाका है वहां पे ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं उसको खाया जाता है वो बोलते हैं कि एक वयक्स जो शत्रुमु का अंडा होता है उसे 12 से 13 लोगों के लिए जो आमलेट है वो बनाया जा सकता है आप जरा यहाँ पे देखिएगा ठीक है तो मैंने बता दिया है चलो बताओ नीला हरा शैवाल यहाँ पे किस वर्ग में देखिए बच्चे आता है अगर हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एलगेज के बारे में हाँ जुमानजी टू में बेटा ये दिखाया गया सही बात है बहुत बढ़िया अक्सर बहुत सारी फिल्में भी हमें बहुत कुछ ज्ञान दे देती हैं तो जैसा बालक बता रहा है कि सर शत्रुमुख के बारे में मैंने जीवा जीवाजी जुमांजी टू में दिखा अरे जुमांजी टू में देख लो या फिर वो मूवी आई थी पद्मावत याद करो पद्मावत मूवी के अंदर यहाँ पे रणवीर सिंह स्टार्टिंग में शत्रुमुख लेके आता है।, है ना हाँ चलिए बताइए देखिए जल्दी से देखिए हम जब बात करते हैं बड़ा ब्रू ग्रीन एलगेज के बारे में तो ये किस वर्ग में आते हैं तो टिक और यहाँ पे यूनिसेलुलर जीव होता है इस को तो प्रोकैरिटिक है प्रोकैरेटिक है और यूनि होते हैं यू नहीं होते ठीक है बताइए देखिए जल्दी से इनमें से बच्चे कौन सा प्लांट है जिसके अंदर पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार देखिए बेटा फूल आते हैं मतलब एक बार फूल आ गए फूल निकाल दिए तो दोबारा कभी उसमें फूल नहीं आएंगे उनको क्या कहा जाता है तो ऐसे को बेटा बोलते हैं मोनोकार्पिक क्या बोलते हैं मोनोकार्पिक बोलते हैं मतलब जिनके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार बेटा फूल आता है दोबारा फूल नहीं आते उसके बाद मर जाते हैं ये पौधे फूल आने के बाद उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक क्या बोलते हैं मोनोकार्पिक बोलते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बेटा फूल देता है फिर दोबारा फूल नहीं देता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बांस आप बांस को देखिएगा तो बांस का जो पौधा होता है साथियों वो एक बार विकसित होने के बाद हो अगर मान लीजिए कि नदी के अंदर मछली है नहीं अनुपस्थिति okay. नदी में मछली नहीं है माफ कीजिएगा से तो हाँ बेटा ये फिजिक्स की अच्छा सुनो सुनो आपको मैं बताना चाहता हूँ सुनो सुनो एक चीज आपको एक बेटा सुनो सुनो एक चीज को मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं देखो आपके लिए मैं एक अनाउंस कर रहा हूं हूँ बच्चे से, कि Sunday, मतलब आने वाला जो संडे हमारा नेक्स्ट जो संडे होगा नेक्स्ट सैटरडे संडे मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बेटा क्लास लेके आने वाला हूं मैं देखिए बेटा लेके आने वाला हूं फिजिक्स प्लस यहां पे केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास और मैं आपको बताऊं देखिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की कौन सी क्लास लेके आने वाला हूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल स्पेशल सिर्फ एक क्लास लेंगे और उसमें हम करेंगे कम से कम सौ के ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको बता दूं बच्चे ध्यान से कि नेक्स्ट सैटरडे संडे मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास लेके आने वाला हूं आज मैंने क्यों नहीं लिए क्योंकि मैं बेटा होता क्या देखिए न्यूमेरिकल्स को समझाने के लिए चाहिए कंसेप्ट अब एक न्यूमेरिकल आ जाए फिर थ्योरी आ जाए फिर न्यूमेरिकल आ जाए फिर थ्योरी आ जाए मजा नहीं आएगा ऐसे में ना मुझे ऐसा पर्सनली फील लगा न्यूमेरिकल का मतलब है मैंने कंसेप्ट समझा दिया फिर चलने दो न्यूमेरिकल्स फिर चलने दो नो ताकि आप उसको अच्छी तरह से कैच कर पाएंगे तैयार हो गए सबके सब जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर बताओ फटाफट से है ना बेटा संडे होली है तो सैटरडे ले लेंगे अरे होली है तो मुझे तो घर से ही पढ़ाना है बालक कैसे बात करते हैं रात को ले लेंगे रात को तो होली खेलने जाओगे नहीं तुम लोग या रात को ही जाओगे बताओ जल्दी से कैसी बात कर दी हो बेटा बालक नालायक हो तुम सबके सब, के सब एक बच्चा बोला सर आप नालायक बोलते हो नालायक का मतलब जानते हो नहीं यार मैं जानता नहीं मैं एक चीज बताता हूं सुनो 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 एक चीज बताता हूं अगर मैं तुम्हें नालायक बोलता हूं ना तो सुनो ध्यान से अक्सर वो बागान जल्दी उजड़ जाते हैं जिनका कोई माली नहीं होता तुम समझदार हो समझ जाओगे तो बेटा मैं तुम बागान हूं तो मैं तुम्हारा मालिक हूं माली रखवाली करता है ठीक है तुम्हारा बड़ा भाई हूं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में तुम कहां जा रहे हो कैसे जा रहे हो किससे मिलने जा रहे हो क्यों मिलने जा रहे हो कहां तुम फूल खिला रहे हो कहां तुम्हारे भवरे बैठे हैं सब जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में नालायक को ठीक है अब जरा यहां देखो ध्यान से चलो चलो बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा सुनो सबके साथ ठीक है सब सब, देखो से कि हम जब बात करेंगे बच्चे कि, कि किसी पानी में अगर मछली नहीं मिलती है तो इसका मतलब क्या भैया इसका मतलब यह है कि मछली पानी में छपा सिंपल <laughs> सी बात है वो एरिया क्या बच्चे तो वो एरिया देखिए बेटा यहाँ पे अवघटित क्षेत्र है जिसे हम डिग्रेडेड जोन बोलते हैं मतलब वहां पर पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है इसका मतलब यह है साथियों कि उस पानी के अंदर हम जब बात करेंगे देखिए तो बीओडी की मात्रा बहुत कम है जिसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड डिमांड या बायोलॉजिकल इस बात को जरा समझिएगा तो इसके अंदर अंदर पानी के जो डिजॉल्ड ऑक्सीजन है, है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलती है इस बात को जरा समझिएगा ठीक है तो प्रदूषण के बेटा सभी क्षेत्र हो जरूरी नहीं है कि इसका एक्चुअल में जो मतलब वो डिग्रेड है मतलब वहां पे ऑक्सीजन की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर है चलो नेक्स्ट देखिए बताइए इनमें से बच्चे किस प्लांट का इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए देखिए ब्लड प्रेशर को बेटा सही करने के लिए हम यूज करते हैं किसका स्पर्क का किसका देखिए का यूज करते हैं देखिए स्पर्फ गंधा देखिए हम जब बात करेंगे साथियों तो औषधि पौधा है जिसका इस्तेमाल हम जब बात करेंगे साथियों हाइपर टेंशन में यहाँ पे प्लेग में बुखार आदि में किया जाता है इसको राव चोलिया साइन बोलते हैं एक्चुअली बताना चाहूंगा देखिए इसका बेटा जो नाम होता है ना वो राव चोलिया साइन है क्या नाम है राव चोलिया साइन अब देखिए ये मैं विधान से नेक्स्ट देखिए बताइए कि कीट पक्षी पौधे की वृद्धि किस पोषक तत्व की कमी वाली भूमि के में होती है बताइए भैया कि कहां पर देखिए बच्चे जो इंसेक्ट बर्ड प्लांट होते हैं मतलब मान लीजिए कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जो यहां पर बेटा कीटों को खा जाते हैं वो कहां पर मिलेंगे जहां पर किस पोषक तत्व की कमी मिलती है जहां पर बच्चे नाइट्रोजन की कमी मिलती है वहां पर ऐसे पेड़ पौधों का डेवलपमेंट होता है जो यहां पर कीटों को खाकर मतलब कीटों को खाकर अपने अंदर नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं

भूमि के ऊपर सतह पर सूर्य की ऊर्जा कैद कर, कर तो के के सतह द्वारा सूर्य की ऊर्जा को कैद कर लिया जाता है तो जो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को एक बार गर्म करनी चाहिए वो एक से ज्यादा गर्म कर रही है ना ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बेटा आंसर यहाँ पे सी परफेक्ट बी परफेक्ट नहीं सी परफेक्ट है ठीक है देखो बताओ जल्दी से इन्वेंटर ऑफ द आर्टिफिशियल हार्ट बताओ जल्दी सर तरीके हम जब बात करते हैं तो आर्टिफिशियल हार्ट के यहां पे जनक कौन माने गए हैं अब सुनो सबके सभी को आपने ये पढ़ा होगा सर रॉबर्ट जार्विक के द्वारा बनाया गया था लेकिन बेटा मैं बताना ये चाहता हूं कि रॉबर्ट जार्विक ने यहाँ पे ह्यूमन्स का आर्टिफिशियल हार्ट बनाया जो जार्विक सेवन है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आर्टिफिशियल हार्ट के जो डेवलपमेंट करने वाले व्यक्ति हैं वो यहां पे पॉन विंशल है कौन है पॉन विंशल है तो पॉन विंशल के द्वारा साथियों यहाँ पे डिस्कवरी सबसे पहले की जा रही है इस बात को जरा समझिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए नॉर्मली आरबीसी यहाँ पे जो होती है वो कितनी पाई जाती है हमारे मेल्स में देखिए हम जब बात करेंगे ठीक है बेटा जितना मैं करा रहा हूँ ना यूट्यूब पर भी वो इतना ज्यादा है कि आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं देखो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ ध्यान से बच्चे कि ये जो क्लासेस हैं वो आपको फायदा देंगी यदि आपका बेटा फाउंडेशन पूरा का पूरा तैयार है यदि आपने अपने फाउंडेशन को कंप्लीट किया हुआ है तो आपको ये क्लासेस इससे बेस्ट कुछ मिलने वाला नहीं है लेकिन ये फाउंडेशन नहीं है साथियों फाउंडेशन अलग चीज होती है और जो मैं करा रहा हूँ वो चीज अलग होती है देखो मैं धोखेबाजी नहीं करूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ हर तरह का बच्चा पढ़ेगा तो सिलेक्शन ले लेगा ना ना ये क्लासेस आपको तब ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है जब आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत है क्योंकि प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं लेकिन बेटा फाउंडेशन नहीं है फाउंडेशन अलग चीज़ होती है अब सोचिए बेटा फाउंडेशन मेरा साढ़े पाँच छह महीने का जाता है बैच अब साढ़े पाँच छह महीने की थ्योरी को मैं यूट्यूब पे कैसे करा दूँ

यहां पे प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है एंजाइम उसे क्या बोलते हैं तो किसी भी एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको देखिए बेटा क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं पे एंजाएम, होलो एंजाएम, एपो एंजाएम या कोई नहीं तो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है बच्चे उसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं एपो एंजाइम क्या बोलते हैं एपो एंजाइम बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन देखिए पूछा गया नेक्स्ट देखिए बताइए कि इनमें से बच्चे कौन सा प्रोटीन है जो बालों के अंदर पाया जाता है बालों में हमारे बाल मेरे बाल ही नहीं खैर तो हमारे बालों में देखिए पाया जाता है सुनो हमारे बालों में हमारे नाखूनों के अंदर पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन का तत्व है इसको देखिए बच्चे कहा गया है कैरोटीन क्या बोलते हैं कैरोटीन कहते हैं और ये रीजन सुनो कुछ फंगस होते हैं जो हमारे बालों पर हमारे नाखूनों पर उग जाते हैं जिन्हें हम क्रेटोनोफील बोलते हैं ये भी जरा समझेगा जीरो पॉइंट वन परसेंट देखो जीरो पॉइंट बेटा वन परसेंट नहीं है सुनो सुनो जीरो पॉइंट वन परसेंट नहीं है वन परसेंट इज राइट आंसर आप एनर्जी कंजप्शन की बात कर रहे हैं वो पिरामिड्स में अलग होती है लेकिन एनर्जी कितनी ली जाती है वो वन परसेंट होती है चलो नेक्स्ट देखिए बताइए हम जब बात करेंगे देखिए बच्चे द मिनिस्ट्री ऑफ दी यहाँ पे वेल हेल्थ एंड फैमिली यहाँ पे टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी को लागू किया गया किसके लिए तो यहाँ पे देखिए हमारे भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार परिवार कल्याण के द्वारा यहाँ पे टेस्ट एंड ट्रीट का यूजन चला गया है, और ये चला गया, गया देखिए एच के लिए एक्चुअल में होता क्या है कि वी की जो टेस्ट थी वो कम होती थी और एच की यहाँ पे टेस्ट करने के बाद बच्चे उनको ट्रीटमेंट दी जा रही ताकि वो एक सिंपल जीवन को जी सके है. तो टेस्ट एंड ट्रीट यहाँ पे हम जब बात करेंगे बच्चे तो वो कार्यक्रम किसके लिए पे के लिए है है ठीक चलो बताओ जल्दी से भोजन की ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है कि आपको भोजन से कितनी ऊर्जा मिलती है हम कैसे नापेंगे भैया तो उसको मापा जाता है कैलोरी में किसमें कैलोरी में आप जो भोजन करते हैं आप जो खाना खाते हैं तो उस खाने को खाने के बाद आपको जो ऊर्जा मिलती है ये ऊर्जा को मेजर कैसे करेंगे तो इसको बेटा मेजर किया जा रहा है कैलोरी के अंदर कि आप कितनी ज्यादा मात्रा में जो कैलोरी का उत्पादन है या कैलोरी कंजप्शन है वो करने वाले हैं तो आप जरा यहाँ पे समझिएगा सर्वाधिक मात्रा में जो कैलोरी बेटा बनती है वसा से बनती है फैट से बनती है फैट के बाद देखिए हमारे कार्बोहाइड्रेट से बनती है फिर प्रोटीन से बनती है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए देखिए उनचासवा मैच दी फॉलोइंग है मैच दी फॉलोइंग बताइए कि किसके द्वारा यहाँ पे क्या चीजें यहाँ पे की जा रही है विखंडन यहाँ पे उत्थान और मुकलन ओ भाई साहब देखिए बताइए जल्दी से सबके सब। देखिए बच्चे हम देखिए जब बात करेंगे इसको जरा समझिएगा छोटा सा पॉइंटेशन सुनो। देखिए बच्चे यहाँ पे इस वाली कंडीशन में देखिए जो विखंडन होता है वो अमीबा में होता है जैसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं फिर देखिए बच्चे यहाँ पे जो मुकुलन होता है वो हाइड्रा में होता है जिसे हम बडिंग बोलते हैं और यहाँ पे अपलिपमेंट देखिए बच्चे हेलमेट में होते हैं तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हमारा ए हो जाएगा मतलब इनके अंदर ये रिप्रोडक्शन के सिस्टम माने गए हैं कि कैसे यहाँ पे प्रजनन की क्रिया होती है तो ए इज द राइट आंसर ए बिल्कुल सत्य आंसर है ठीक है चलो नेक्स्ट बताइए देखिए पचासवा क्वेश्चन देखिए हम जब बात करते हैं स्टोन कैंसर का रीजन क्या माना गया स्टोन कैंसर देखिए पत्थरों का कैंसर तो बेटा पत्थरों का जो कैंसर है वो हमारा एसिड रेन होती है सर पत्थरों का कैंसर क्या है आपने कभी नोटिस किया है कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जिसको हम सिंपल सी भाषा में संगमरमर बोलते हैं वो पीला पड़ जाता है देखिए अगर ज्यादा मात्रा में हमारी एसिड रेन होती है अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा से हमारा जो संगमरमर होता है वो पीला पड़ जाता है क्यों पीला पड़ता है स्टोन कैंसर से पीला पड़ता है।, है ना चलो बताओ कि इनमें से बच्चे कौन सा यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए समय के साथ खत्म हो जाएगा पूछा गया तो बेटा बायोडिग्रेडेबल क्या देखिए पेपर है डीडीटी है एल्युमिनियम है या प्लास्टिक है तो यहाँ पे जो पेपर है वो कैसे देखिए बायोडिग्रेडेबल है मतलब समय के साथ ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा आप यहाँ पे जरा समझिएगा नेक्स्ट देखिए बताइए इनमें से बच्चा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे फॉर दमेशन ऑफ दी कड़ दही के निर्माण में दही के निर्माण में बच्चे किसका इस्तेमाल देखिए करते हैं अब दही के निर्माण में देखिए लैक्टिक एसिड बनती है तो लैक्टोज के थ्रू यहाँ पे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो निर्माण है वो बैक्टीरिया की सहायता से किया जाएगा और उसका नाम है लेक्टोबेजिलस तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा बच्चे फर्मेंटेशन होता है जिसे किण्वन की प्रोसेस कहते हैं और मैं बताना चाहता हूं कि लुई पाश्चर के द्वारा यहां पे सबसे पहले इस प्रोसेस को देखा गया तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा यहां पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस करके हम दही का निर्माण करते हैं अच्छा ये बताओ मुझे कमेंट के अंदर दही अच्छा कब बनेगा जब उसे खुला रख दिया जाए या ढक के रखा जाए जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर यस yes, कवर किया जाए क्यों देखिए बेटा जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ना तो फर्मेंट फर्मेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पे एनरोबिक रेस्पिरेशन से होती है मतलब यहां पे बिना ऑक्सीजन के ज्यादा अच्छी तरह से होती है तो जब उसे के रखा जाएगा तो दही अच्छा बनेगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए पे जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे देखिए प्रजनन क्रिया करते हैं वो कैसे यहाँ पे प्रजनन क्रिया करेंगे बेटा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है वो यहाँ पे कैसा होता है देखिए वो कोशिका डिवीजन से होता है सिंपल सी बात है तो वहां पे कोश का विभाजन होगा कोश का विभाजन ही होगा कोश का विभाजन ही होगा सिंपल सी बात है तो सिंपल सिंपल सेल डिविजन होता है देखिए यूनिसेलुलर के अंदर इसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए अमिशोस के नाम से भी जानते हैं अमिटोसिस के नाम से भी जानते हैं देखिए बताइए जल्दी से ऐसा रंजक जो मनुष्य के शरीर के अंदर बेटा रंगत प्रदान करता है देखिए कलर देता है देखिए तो हमारे शरीर के अंदर बेटा जो रंग आता है वो किससे आता है देखिए वो आता है किससे मेलानिन से आता है मेलानिन से आता है हमारी त्वचा पे देखिए जो रंग होता है वो किस कारण से होता है तो त्वचा पे रंग होता है देखिए मेलानिन के कारण तो जितनी ज्यादा मात्रा में मेलानिन होगा आपका रंग उतना ही ज्यादा काला पड़ेगा बोलो या ना तो ये देखिए निकलता है कहां से त्वचा से तो हमारे स्किन के ऊपर यहाँ पे ग्लैंड मिलते हैं देखिए हमारी जो स्किन होती है साथियों तो हमारी स्किन के अंदर यहाँ पे ग्रंथी मिलती है जिसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं मेलोनोसाइट क्या बोलते हैं मेलोनोसाइट बोलते हैं और यहाँ पे जो मेलोनोसाइट होती है बच्चे वो एक प्रकार की ग्रंथी होती है जो हमारे पीयूष ग्रंथि द्वारा कंट्रोल की जाती है यहीं से देखिए बच्चे निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलानिन क्या नाम है देखिए तो मेलानिन यहाँ पे हार्मोन है जो निकलता है से तो यहाँ पे निकलने वाला जो हार्मोन है बच्चे हमारा उस हार्मोन को हमने नाम दिया है मेलानिन क्या बोलते हैं मेलानिन हार्मोन बोलते हैं अब ये जो मेलानिन हार्मोन है इसकी कमी से उसकी ज्यादा मात्रा से देखिए बच्चे समस्या पैदा हो सकती है अगर ज्यादा मात्रा में हो देखो ध्यान से अगर ये ज्यादा मात्रा में निकले ज्यादा मात्रा में निकले और ये कम मात्रा में निकले ये ज्यादा ये कम है तो इससे दो बीमारी हो जाती है तो अगर बेटा देखिए ज्यादा मात्रा में निकलता है तो इसे बोलते हैं मेलेजमा क्या बोलते हैं मेलेजमा और जब यहाँ पे कम मात्रा में निकलता है तो उसे बोलते हैं विटिलगो क्या बोलते हैं विटिलगो इसमें देखिए इंसान पर काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए इंसान पे बेटा देखिए सफेद चट्टे पड़ना शुरू हो जाते हैं तो ये भी किस कारण से तो आंसर है मेलन के कारण है ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए भैया बताइए कि हम जब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे देखिए हार्मोन की कमी से होता है हार्मोन कमी से होता है देखिये हार्मोन कमी पूछा गया है तो ये जो कमी होती है बेटा कौन सा हार्मोन देखिए इंसुलिन है क्या है इंसुलिन है आप जरा यहाँ पे समझिएगा और इंसुलिन के अंदर देखिए बेटा यहाँ पे पाए जाने वाली जो धातु है वोती है जस्ता तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जस्ते की कमी हो जाती है और जस्ते की कमी से बच्चे यहाँ पे मधुमेह की बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज यहाँ पे के नाम से जानते हैं छप्पनवा क्वेश्चन बताइएगा कि चमकादड़ और जो डॉल्फिन होती है वो यहाँ पे कैसे काम करती है कैसे पकड़ती है शिकार को देखिए बेटा वो पकड़ती है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ दिस साउंड से ये किससे पकड़ती है देखिए एक सुनो सुनो अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट बताऊं इसका आंसर बताओ जल्दी से देखो सबके सब के सर, सुनो देखो यहां पे देखिए बच्चे एक सिद्धांत काम करता है जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन अब इस रिफ्लेक्शन को ना हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं इको लोकेशन मतलब वो प्रतिध्वनि भेज कर वो प्रतिध्वनि भेज कर यहाँ पे अपने शिकार का पता लगा लेती हैं और जो प्रतिध्वनि होती है जिसे हम क्या बेटा इको बोलते हैं इको यहाँ पे काम करता है किस सिद्धांत पे रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे बोलो हाँ समय तो आपको प्रतिध्वनि क्या तुम्हें खुद की ही ध्वनि सुनाई देने वाली है तो इसे हम इको लोकेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं इको लोकेशन बोलते हैं नेक्स्ट देखिए बताइए जल्दी से कि वो कौन सा देखिए बेटा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे डायवर्सिटी और डेंसिटी मिलती है आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी पे बेटा अगर डेंसिटीज की बात करते हैं उनको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से तो सबसे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर बेटा जो यहाँ पे पेड़ों के घनत्व तो पाए जाते हैं ये उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्यों इसका रीजन है भैया इसका रीजन क्या देखो ध्यान से ये एक तो यहाँ पे गर्म स्थान होते हैं गर्म स्थान होते हैं तो सिंपल सी बात है भैया यहाँ पे देखिए वर्षा भी कैसी होती है ज्यादा होती है अब जहां पे वर्षा ज्यादा होती है तो वहां पर कैसे पेड़ मिलेंगे मिलें तो वहां पर देखिए बेटा मिलते हैं सदाबहार कैसे मिलते हैं सदाबहार पेड़ पौधे मिलते हैं और सिंपल सी बात है कि जहां पर सदाबहार पेड़ पौधे मिलेंगे वहां पर पेड़ पौधे आपको ज्यादा मात्रा में मिलने वाले हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा अट्ठावन क्वेश्चन देखिए कि बताइए कि जीवित जीवों पर्यावरण के बीच में बातचीत को क्या कहा जाता है तो बेटा इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी जिसे बोलते हैं इकोलॉजी तो यहां पर हमारा जो इनवायरमेंट बनता है वो कहां बनता है इकोलॉजी में बनता है अट्ठावन हो गया उनसठ बताइए फ्लोरा ऑन फोना जो लेक्स में पॉइंट्स में पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं तो बेटा देखिए झीलों में तालाबों में पाए जाने वाली वनस्पतियों को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं लेंटिक बायोटा क्या बोलते हैं लेंटिक बायोटा बोलते हैं जो यहाँ पे एक पानी के क्षेत्र में मिलती है जो खासकर लेक्स और पॉन्ड में पाया जाता है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जल्दी बताएगा कि पाचन की पाचन में हम देखिए जब बात करेंगे देखिए साथियों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को बताइए जल्दी से मुझे सब देखो कि हम जब बात करते हैं बच्चे तो इनमें से कौन सा प्रोटीन है साथियों जो यहां पे कन्वर्ट होता है देखिए प्रोटीन कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है तो बेटा प्रोटीन जो कन्वर्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है किसके अंदर देखिए अमीनो एसिड में किसमें अमीनो एसिड में तो प्रोटीन का जो कन्वर्जन है वो देखिए हमारे अमीनो एसिड में होता है इस बात को जरा समझिएगा क्लियर है सारी बातें तो ये सारे सारे फैट मैंने आपको समझा दिए बहुत डिटेल से <coughs> देखिए साथियों तो ये थे बच्चे हमारे साठ के साठ क्वेश्चन अब मेरी छोटी सी बात है भैया कि मान सब के जाना सबके सब ठीक है पहले भैया की बात मान लो भैया की बात के बाद हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले सुनो अब देखिए आपको तो मैं बताता हूं आपकी वास्तविकता देखो जहां से अब देखिए बेटा हमारा जो स्कोर है वो क्या रहा पहले आप मुझे कॉमेंट बताएगा टोटल देखिए बच्चे मैंने क्वेश्चन कराए हैं सिक्सटी ठीक है, है 60, अब आप मुझे जो भी तुम्हारा स्कोर रहा है सिक्सटी में से आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा मैं पहली क्लिक करना चाहता हूं सुनो ध्यान से बेटा अगर आपका स्कोर बेटा फिफ्टी प्लस है तो बहुत अच्छी बात है वेरी वेरी गुड मतलब तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया सुनो अगर बेटा फोर्टी प्लस आ रहा है तो ठीक है मतलब तुम्हारे मेहनत की हुई आवश्यकता है और बेटा चालीस से कम है तो सुन लो सबके सब बेटा सुनो ध्यान से सिलेक्शन नहीं होने वाला माफ करना मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे अगर चालीस से कम है तो तुम धोखे में हो धोखे में हो तुम्हारा सिलेक्शन अभी नहीं होने वाला अभी तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है तो बेटा जिनके भी यहाँ पे स्कोर 40 से कम रहा ना मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बेटा कि बहुत भटक चुके हो अब ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है तो मैं अपना सबसे ज्यादा स्ट्रांग करना है वह है फाउंडेशन तो अभी भी समय है अपने फाउंडेशन पे मजबूत करना शुरू कर दो दू दूंकि जितना ज्यादा बेटा तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ आपका स्कोर उतना ही ज्यादा अच्छा होने वाला है मैं आपसे पहले ही कर करता बेटा यूट्यूब पे भटकने से मतलब नहीं है मतलब नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि जब तक तुम्हारा स्कोर बेटा तुम्हारे काम नहीं करेगा तुम्हारा फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होने वाला भटकना नहीं अगर 40 से कम है ना तो भैया की बात मान लो अभी भाई भी बात मान लो भटको मत प्लीज भैया की बात बता रहा मान के चलो कि अपने फाउंडेशन पे स्ट्रांग करो जिनका बेटा चालीस से कम है जिनका चालीस के आसपास रहा है आप भी समझो कि कमी कहां पे आ रही है आप कमी पे फोकस करो मतलब आप देखो कि तुम्हारी कमी कहां पर है और कमी पे काम करो और जिनका पचास से ठीक है आप प्रैक्टिस कीजिए आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप करने वाले एक बच्चा इतना इजी क्वेश्चन करवाते हैं बेटा इजी क्वेश्चन नहीं करवाता मैं वो करवाता हूं जो एग्जाम में आता है अभी समस्या तुम्हारे साथ है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है ठीक है

वो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि फाउंडेशन पे फोकस करो और फाउंडेशन पढ़ना ना तो आप हमारे आरआरबी फाउंडेशन बैच में जरूर आओ क्यों क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जहां की तैयारी होने वाली है और यदि आप आज हमारे आरआरबी बैच में आते हैं तो भारत के रेलवे के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ साथियों की आपकी यहाँ पे सभी एग्जाम की तैयारी सबसे बेस्ट होने वाली है और यदि बेटा आप इस बैच में आने के अलावा हम चाहते हैं कि भैया हमें साइंस फाउंडेशन मिल जाए तो आप हमारे साइंस फाउंडेशन बैच को भी प्राप्त कर सकते हैं तो साथियों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आज